बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवर, क्या हाल है? आप कैसे हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह करे आप हमेशा खुश रहें। तो आज जो है ना, मैं बना रही हूँ चने का सालन और उबले हुए चावल। तो आप जो है ना, वीडियो देखें और एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये तेल डाल लें। तेल में अब ये प्याज डालनी है। वैसे आप सबको जितना लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अभी ये प्याज थोड़ी देरी जो है ना भूनेंगे, तो उसके बाद और जो चीजें हैं वो अंदर डालेंगे। अब ये गार्लिक और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अभी ये चावल जो है ना उबालने के लिए रख दिए हैं, तो अभी नमक डालेंगे। साथ में चावल बन जाएंगे और सालन भी बन जाएगा। अभी जो है ना ये टमाटर डालेंगे और ये नीली मिर्चें भी डाल देंगे। टमाटर पाउडर और करी पाउडर डालें, और मैंने मिक्स किए हुए हैं करी पाउडर और टमाटर पाउडर। ये अलग है और ये नमक है। ये गरम मसाला और धनिया ये बाद में डालेंगे। ये चने डाल दें, उबले हुए चने। अभी थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अभी ये धनिया भी इसमें डाल दें। अभी इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। आपकी मर्जी है, वैसे आप इस तरह भी रख सकते हैं, वैसे पानी भी जितना आपकी मर्जी है डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 गिलास डाल लूंगी क्योंकि चावल पर डालकर खाना है हमें। अभी थोड़ी देरी पका लें इसको, 5 मिनट पका लें, 10 पका लें, आपकी मर्जी है। अगर थोड़ा गाढ़ा करना चाहते हैं तो ज्यादा पका लें। ये इसमें मसाला डाल दें, गर्म मसाला और धनिया है सूखा, अभी मिक्स कर लें। अभी ये तैयार हो गया है। इधर चावल भी रेडी हो गए।
अभी ये चावल और सालन रेडी है, तो आप देखें और एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बन गया है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।